आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं और आपको ये पता लगाना है कि उस जमीन पे किसी ने लोन ले रखा है या वो जमीन किसी बैंक में मॉर्गेज के रूप में रखी है, ये कैसे पता लगाएंगे? या अगर आप जब प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तब आपको पता लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी जिससे मैंने खरीदी उसने मुझे झूठ बोला, ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी किसी के पास लोन में पड़ी है और इस पे ये लाइबिलिटीज हैं, मुझे तो बताया ही नहीं। बहुत सारे सवाल उठते हैं जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो, और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारी जीवन भर की मेहनत वेस्ट ना चली जाए। तो अब सवाल उठता है, पता कैसे लगाएं कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस पर किसी ने लोन लिया या नहीं, या आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एकदम फ्री है। आज मैं आपको एक वीडियो में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, एक ऐसा सर्टिफिकेट, अगर आपने वो सर्टिफिकेट ले लिया तो आपको आपकी प्रॉपर्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा मिलने वाला है। उस सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे आज इस डिटेल वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और अपने प्रॉपर्टी का कच्चा चिट्ठा जान लिया, कभी भी आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी पर धोखा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों, उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो देता है कानून से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी और आपको जागरूक करता है ताकि आप अपनी लाइफ में बेखौफ निडर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमको 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। ऐसे अगर आपका प्यार बना रहेगा तो शायद हम और आगे बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज हम बात कर रहे हैं एनकंबरेंस सर्टिफिकेट के बारे में, यानी ईसी के बारे में। ये वो सर्टिफिकेट होता है जो आपको अपनी प्रॉपर्टी का कच्चा चिट्ठा बता देता है। सबसे पहले जानते हैं कि ईसी होता क्या है आखिर। देखिए दोस्तों, जो भी रजिस्ट्री ऑफिस होता है जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने जाते हैं, जो भी आपके एरिया का रजिस्ट्रार होता है, वो एनकंबरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी जारी करता है। ईसी आपको इस बात की पुष्टि करता है कि आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं या जो जमीन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस जमीन पे क्या कभी किसी ने लोन लिया, क्या कभी किसी ने प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा, या उस प्रॉपर्टी पे कोई लिटिगेशन थी, क्या कभी वो किसी कानूनी पेच में फंसी या नहीं। बेसिकली उस प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन उस पे हुए होते हैं वो सब आपके एनकंबरेंस सर्टिफिकेट में आ जाते हैं। ये इश्यू किया जाता है रजिस्ट्री के द्वारा जो आपके शहर में होती है। अब हम जानते हैं कि इस ईसी को लेना जरूरी क्यों है। देखिए, जैसा कि हमने जाना कि ईसी लेने से आप अपने प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके पास ईसी होगा तो आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच जाएंगे। अगर आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी पे किसी ने लोन ले रखा है या ये कहीं पे गिरवी है, तो ऑब्वियस ही बात है आप उस प्रॉपर्टी को कभी नहीं खरीदेंगे। इसलिए सबसे पहला फायदा होता है ईसी को लेने से कि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच जाते हैं। दूसरा फायदा आपको ये होता है कि इससे आपको अपनी प्रॉपर्टी का रियल स्टेटस पता लगता है कि इस प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू क्या है। कई बार अक्सर लोग, ऐसा भी मैंने देखने में आया है कि लोग कोई डिस्प्यूट में पड़ी प्रॉपर्टी उसको भी खरीदना चाहते हैं लेकिन फिर उसको कम भाव में खरीदते हैं। इसलिए आपको रियल स्टेटस का प्रॉपर्टी का जानना बहुत जरूरी है ताकि आप उस प्रॉपर्टी की सही कीमत में उसको खरीद सकें। और तीसरा फायदा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और आप अगर लोन लेने जाते हैं तो बैंक अक्सर आपसे पूछता है कि क्या आपके पास ईसी है या नहीं है। क्योंकि सपोज करिए आप किसी प्रॉपर्टी पर लोन लेने जा रहे हैं और आपके पास ईसी नहीं है और वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहीं मॉर्गेज है, तो बैंक कभी आपको लोन नहीं देगी। ये तीन फायदे हैं ईसी लेने के लिए। तो अभी तक तो हमने जाना कि ईसी क्या होता है और फिर हमने जाना कि ईसी से हमें क्या फायदे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे हाथ में कोई सर्टिफिकेट होगा ईसी के नाम का, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। दो पार्ट में हम उसको बांट सकते हैं, एक होती है फाइनेंशियल चीज और एक होती है लीगल चीज। फाइनेंशियल चीज में आपको ये पता लगता है कि इस पे किसी ने लोन ले रखा है क्या, क्या ये मॉर्गेज है क्या, कहीं ये लीज पे है क्या, यानी कुछ भी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन होगा वो आपको उस ईसी के फाइनेंशियल पार्ट में दिख जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं लीगल की, तो अगर उस प्रॉपर्टी पे कभी कोई केस हुआ है क्या, कोई वो कोर्ट में लिटिगेशन में गई है क्या, तो वो आपको उस लीगल पार्ट में दिख जाएगा। तो इस तरह ईसी जब आपको मिलता है तो आपको उस प्रॉपर्टी की फाइनेंशियल एज वेल एज लीगल सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको मिल जाती है। अब सवाल मेरे पास ये उठता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईसी मिल जाएगा तो मेरे प्रॉपर्टी का सारा ट्रांजेक्शन का मुझे पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी, लेकिन ये इसके लिए अप्लाई कहाँ करूँ। चिंता ना करें, उसका भी आज मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ।
अप्लाई दो तरीके से हो सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप अपने शहर की जो रजिस्ट्री की वेबसाइट होती है वहाँ जाइए और वहाँ पे आपको इनकमिंग सर्टिफिकेट नाम का एक कॉलम मिलेगा। वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो कुछ आपसे गवर्नमेंट फीस मांगेंगे, वो आपको भरने के बाद आपको इनकमिंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए फॉर्म 22 आपको मिलेगा, जनरली फॉर्म 22 ही हर स्टेट में होता है, कुछ स्टेट में हो सकता है इसका नाम चेंज हो, लेकिन आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर जाए अगर आपको फॉर्म 22 मिले तो उसका मतलब यही है कि वो इसी को अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म 22 पे आपको क्लिक करना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी है, वो जो अटैचमेंट बोले जैसे आपकी प्रॉपर्टी की कोई सेल डीड या आपका एड्रेस प्रूफ या आपका आधार कार्ड वो आपको अटैच करना है। जो भी नॉमिनल गवर्नमेंट फीस होती है 100-200 रुपए वो आपको पे करनी है और उसके बाद आपको वो इसी इश्यू कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है, वहाँ पे इसी तरह फॉर्म 22 की हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, आपको फॉर्म 22 भरना है, जो गवर्नमेंट फीस है जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो लगाने हैं और उसके बाद वो आपको इनकम सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। अब जब रजिस्ट्रार वो ईसी जारी करता है तो वो दो रूप में जारी कर सकता है, या तो फॉर्म नंबर 15 में या फॉर्म नंबर 16 में। फॉर्म नंबर 15 के अंदर अगर आपको वो इनकमरेंस सर्टिफिकेट जारी कर रहा है इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी पे कोई इनकमरेंस है, यानी आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कोई लोन ले रखा है या मॉर्गेज है। अगर फॉर्म नंबर 15 में कोई जानकारी आ रही है इसका मतलब वो प्रॉपर्टी फ्री नहीं है। लेकिन अगर वही रजिस्ट्रार आपको फॉर्म नंबर 16 में वो जानकारी दे रहा है, यानी ये कह रहा है कि इस पे कोई इनकमरेंस नहीं है, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी एकदम फ्री है और आप उस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। जनरली जब भी हम इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो 15 से 20 दिन का समय लगता है और रजिस्ट्रार आपको वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी मोड में अपना अप्लाई कर रहा होता है उसको वो दे देता है। तो आपको वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करिए, या फिर अगर आपको लगता है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए और सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया आपका वो फॉर्म नंबर 22, आपका आधार कार्ड, उस प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन डिटेल्स जो आपको ध्यान है, या जो प्रॉपर्टी की लास्ट सेल डीड या गिफ्ट डीड है वो, और आपके प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने से आपको वो जानकारी मिल जाती है। तो अगर आपके हाथ में इनकमरेंस सर्टिफिकेट है तो शायद आपकी प्रॉपर्टी पे कभी आपको धोखा नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अगर कोई लीज पे प्रॉपर्टी ले रखी है आपकी और वो 11 महीने की है, क्योंकि 11 महीने तक की प्रॉपर्टी को लीज रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता, तो वो आपको इनकमरेंस सर्टिफिकेट में नहीं मिलेगा। या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन आपकी प्रॉपर्टी पर हुए हैं जो रजिस्ट्री में दर्ज नहीं हुए हैं तो भी वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई ऐसी विल लिखी गई है या पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी गई है जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है वो भी आपको उस पर नहीं मिल सकती। कुल मिला के वो सारे ट्रांजैक्शन जो रजिस्ट्री के नॉलेज में आए हैं वो आपको इनकमरेंस सर्टिफिकेट जारी मिलते हैं, और अक्सर 90% लोग इसको नहीं लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो बाद में पछताते हैं कि शायद हमको पहले पता होता तो हम इस सर्टिफिकेट को ले लेते और हमें आसानी हो जाती, ताकि हम पता लगा लेते कि प्रॉपर्टी फ्री है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो हमेशा ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी मोड अवेलेबल हो फॉर्म नंबर 22 को भर के आप अपनी प्रॉपर्टी का इनकमरेंस सर्टिफिकेट जरूर लें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप जागरूक हुए होंगे इस प्रॉपर्टी के इस इनकमरेंस सर्टिफिकेट से, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं ताकि वो लोग भी जागरूक हो सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलेंगे अगली बार अगले वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।